गुरु अनिरुद्ध आचार्य अपने सत्संग के अलावा भी कई वजहों से चर्चों में बने हुए हैं। आए दिन सोशल मीडिया पर उनके वीडियोस वायरल होते हैं, तो कभी उनके कुछ फनी वीडियोस भी सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी इतने पॉपुलर हैं कि उन्हें बिग बॉस सीजन 18 का भी ऑफर मिला है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि गुरु अनिरुद्ध आचार्य ने शो में जाने से साफ इनकार कर दिया है। पिछले दिनों अनिरुद्ध आचार्य जी को लाफ्टर शो फन अनलिमिटेड में देखा गया था। उन्होंने लाफ्टर शेफ शो के सभी कलाकारों की जमकर तारीफ की, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा कृष्णा, सुदेश और भारती का काम बेहद पसंद आया था। वहीं एक इंटरव्यू में अनिरुद्ध आचार्य जी से पूछा गया कि क्या वो फिल्म देखते हैं। इस पर अनिरुद्ध आचार्य ने कहा कि मैं फिल्में देखता हूँ, लेकिन कम देखता हूँ। मैंने पुरानी फिल्में देखी है, स्वर्ग, बागवान, ये फिल्में मैंने देखी है। आजकल की जो नई फिल्में बन रही है वो मैंने नहीं देखी है। अनिरुद्ध आचार्य ने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि बॉलीवुड में एक नया मोड़ आने और एक बड़े बदलाव की जरूरत है। फिल्म इंडस्ट्री हर चीज को ही बढ़ावा दे रही है, वो ये नहीं देखती है कि क्या चीज सही है और क्या गलत है। आज वो गुटखा, सिगरेट, शराब जैसी हानिकारक चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं। वो पैसे के लिए गलत चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, चाहे वो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हो या कोई और। ये लोग लोगों की प्रेरणा है। इन लोगों को पैसों के लिए गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, क्योंकि युवा इन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं और जब वो इन्हें फॉलो करते हैं तब वो भी इसी गलत रास्ते पर चलने लगते हैं। फिलहाल आपका अनिरुद्ध आचार्य के इस बयान पर क्या कहना है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।